शौचालय के अंदर ही जरा हीटर है तो ही सही है। हाँ, जिधर आपने चूल्हा लगाया उधर ही काम करा। गिर गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यार आज कुछ एनर्जी ज़्यादा है, हालांकि आज नींद कम ली हुई है। और वेलकम हो गया जी आपका ऑल द वे फ्रॉम चित्राल। सो अभी यार इधर होटल में स्टे किया था, रात कैंपिंग कर रहता था लेकिन थकावट बहुत थी और बाकी मामला भी सारे चलाने होते हैं, तो हमने रूम ही कर लिया। अभी जस्ट इधर मौजूद हैं और इधर से निकलेंगे और जा रहे हैं जी टूवर्ड्स काफ़ी सारी वैलीज के अंदर जा रहे हैं। लाइक जो जो चीज़ होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इंशाल्लाह बहुत ही ऐसे ऐसे किस्म का बनाऊँगा लाइक आपको हर इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो। बट आज का जो होगा वो खास होगा कि कितने किलोमीटर्स का है, इसमें कितने घंटे हमें लगे और कैसा इसका एक्सपीरियंस हमारा रहा है इस ट्रैक का। सो स्टे ट्यून्ड। मौजूद हैं जी चित्राल चावल एंड चोल सेंटर। यार सुबह नाश्ते ही करना है, अभी ये है जी चावल और साथ में है चिकी पास। इन्होंने चने बना के रखे हुए तो कैसे हैं? अच्छे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है यार। मेरे किधर है? भी हमारे भी थोड़ी देर में भी आने चाहेंगे। लेट्स वेट। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। अभी चावल तो आ चुके हैं और साथ में एक पानी की बोतल उन्होंने उगवाई है क्योंकि ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा पी रही थी इधर, इसलिए अब सुबह सुबह टाइम तो नहीं ना पीनी हमने। तो यार अभी पुराने भी ये चौक से ये चावल जो हमने खाए थे वो बहुत ही टेस्टी है। सिर्फ 80 रुपये की प्लेट है और हमने ज़रा एक्स्ट्रा हर चीज़ करवा के 200 की करवाई है। सीट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपने मुझे माना हो तो इधर यार लाजमी आए। और ये भाई होते हैं इधर तो इनसे आगे आप खा सकते हैं यार। वाकई बहुत टेस्टी चावल थे, हमने सोचा था कि नाश्ता करें कुछ ना कुछ लेकिन हमें दिखे ही है। और लकली इधर रुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी किए हैं और काफ़ी अच्छा रहा है टेस्ट। तो अभी दिस इज़ द प्लेस और खूबसूरती बस देखें कि खूबसूरती क्या है। आगे कुदरत का सही नज़ारा होता है, लाइक कुदरत तो हर जगह मौजूद है लेकिन ये खूबसूरती ये पहाड़ इंसानों को बनाए हुए हैं। अभी राइड तो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारे हमारे राइट और लेफ्ट और सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के आ रहे हैं। और यार इधर जो शॉप्स हैं ना जो भी अभी हमारे लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, इधर आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप आएँ तो इधर आके ज़रूर रुकें, क्योंकि जब आप रुकेंगे इनके साथ आप थोड़ी बातचीत करेंगे दैन आपको जितना भी उसका इलाका है उनका उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उनके से भी आप थोड़ा सा गाइडलाइन ले सकते हैं, उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं, देन आप अपनी भी रिसर्च करके आएँ। जब भी यानी कि जिस जगह भी जाना हो, मेरा यही है कि जहाँ भी हम जाते हैं पहले से उसको एक तो ज़ाहिर पता है गूगल के ऊपर हर चीज़ देख सकते हैं, गूगल उसको करके जाएं आपको आइडिया होगा। यार अभी इधर जस्ट रुकेंगे क्योंकि चेक पोस्ट आ चुकी है, अब आइडिया नहीं कि राइट हमने जाना है या लेफ़्ट जाना है या सीधे ही मतलब हमने जाना है। अभी जहाँ चेक पोस्ट पे खड़े थे वहाँ से तो स्ट्रेट ही हमने जाना था क्योंकि एक हल्की सी स्लाइड राइट साइड को जा रहा था रोड, वो उनके लोकल किसी गांव की तरफ ही जा रहा था इसलिए उधर को हम नहीं गए क्योंकि हमने जाना है जी परसान की तरफ। दैट्स वाई हम सीधे ही उसी रास्ते पर हो लिए हैं जो कि परसान की तरफ जाता है। और अभी बासित भाई आगे जा रहे हैं जो कि बड़े शूटर ही जा रहे हैं यार, और बाकी जो दो राइडर्स हैं वो हमारे पीछे ही हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ लेनी थी इसलिए वो रुक गए थे। और इधर अभी क्योंकि ज़रा ऑफ सीज़न ही है इसलिए मोस्ट ऑफ़ दी जो शॉप्स हैं ना वो क्लोज़ हैं। यार ये जब भी पानी आता है ना क्योंकि मेरा बाइक जो है ट्रेल है तो चींटे अच्छे खासे उड़ाता है तो इसलिए ना मुझे ज़रा स्लो ही करना पड़ता है बाइक। और अभी यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा ही दूर रह चुका है जो परसान का रास्ता है और डेथ टनल का, पहले क्योंकि डेथ टनल आएगी और उसको हम क्रॉस करेंगे तो फिर आएगा जी परसान। और परसान को भी दो रास्ते लगते हैं, हम जो फर्स्ट वन है ना जो इसी रूट के ऊपर पहले आएगा हम वहाँ से जा रहे हैं। Now we are here at Parsan और अभी Parsan Valley जो है उधर जाने लगे। अभी इन्होंने हमारे लेफ्ट साइड पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन परसान और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिधर जिधर ये रास्ता जाता है।
और ये सामने ब्रिज है जिसके ऊपर से हम गुजरते हुए राइट साइड को ऊपर को चढ़ाई चढ़ेगी। यार इसका मैंने पहले एक ब्लॉग देखा नहीं था लेकिन सुना था उसके बारे में। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जितने भी हैं ना क्रिंज हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारे नल लिखा हुआ है, ये जितनी भी जगह हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हैं, और यह है कि जो अनट्रेन ड्राइवर्स हैं ना वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि अभी हमने रास्ता थोड़ा स्टार्ट तो कर दिया, आपको रास्ते के अंदर से ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का है। अब ये चढ़ाई लग अब वो नीचे से रोड आप देखें जो हमारे राइट साइड पर है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रोड कितना स्टीप है, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर अक्सर ना हम चीज़ जो है मिसगाइड कर जाते हैं इस चीज़ को, और बताने के अंदर भी कुछ लोग वो चीज़ नहीं बताते, लेकिन मैं आपको एज़ इट इज़ खुल के यार बता रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये आम जो ड्राइवर है ना उसके करने वाला नहीं है। इधर बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्योंकि इसलिए उन्होंने इसका नाम ही एक तो डेस्टिनर रखा हुआ है, और जो ऊपर उसके ज़्यादा ऊपर जो चढ़ाई है परसान की तरफ वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। सो इधर बहुत ही आपने सोच समझ कर आना है जिसने भी इधर आना है, क्योंकि ये लल्लू पंजू वाला सिस्टम नहीं है यार के जो मर्जी आ कर ये रोड कर जाए, क्योंकि मैं इसीलिए कहूँगा ताकि हर एक किसी को खुल के यानी कि एक लेमन लैंग्वेज के अंदर मैंने बता दिया है कि ज़रा आइडिया हो जाए उसको कि यार इतना आसान काम नहीं है इन रोड्स पर ट्रैवल करना। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, और ऑफ रोडिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, आया कि सबसे पहले आपने कौन सा ऑफ रोड किया हुआ है। अब जिस तरह हमने पहले काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की हुई है, इसलिए हमें ये जो रोड्स हैं ये उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं करते, लेकिन जो नया बंदा होता है उसको इस तरह के जो रोड्स होते हैं वो बहुत एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि वो हैरान हो जाता है बंदा कि यार आया सच में इतना ही डेंजरस जो रूट है वो हो गया है, या कि अभी ख़राब हुआ है या पहले से बना नहीं था। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये चीज़ें सोच ही नहीं निकलते घर से कि आगे हमें कौन कौन सी जो है कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम तो थोड़ा सा बाइक को यार खींच ही रहे हैं, क्योंकि हमने इधर से होते हुए आगे एक और जगह भी जाना है, दैट्स वाई वो भी आपके लिए थोड़ा सीक्रेट है, वो आपको जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ हमने आज विज़िट करना है। क्योंकि चित्राल इंशाल्लाह इस तरह हम यार सारा देख के ही जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे दिनों के लिए हम निकले हैं घर से, तो इंशाल्लाह जो है बहुत सारी चीज़ें देखनी अभी आपके लिए भी बाकी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और ये है कुछ रास्ता, वो अब आ रहे हैं जी अदील भाई, और ये सारे का सारा रूट है, और इस साइड से हम अभी टर्न लेके इस साइड को गए हैं। अब ये सेंटर में सारी खाई है, ऐसे तो नहीं होता है। और ये दीर भाई अब कह रहे हैं जी वीडियो बनाई, वीडियो बनाते हुए उनकी आ रहे हैं जी ऊपर। ये लग ही आ रहा है लेकिन ये काफी स्टीप चढ़ाई है। ये काफी सीट चढ़ाई है। नाउ लेट्स मूव। सो गोइंग टुवर्ड्स द डेथ टनल, इसको डेथ टनल बोलते हैं जी, और ये परसान के रास्ते के अंदर है। बाइक की जो कंडीशन हो रही है आपके सामने है, पहला ये दूसरा गेयर, डालने का दूसरे गेयर से ज़्यादा नहीं जा रही, मैक्सिमम पहला ही है, नहीं सही है ही पहला, पहले के अंदर ही चढ़ाई करें तो ही सही है। हाँ हाँ जिधर आपने दूसरा लगाया उधर ही काम करा, गिर गया, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। यार अभी उठ तो गया हूँ, बट थोड़ा सा ये जो है ना ये थोड़ा डैमेज हुआ है, और ये नीचे से थोड़ा सा ये डैमेज हुआ है, और वो सामने आ चुकी है जी डेथ टनल, इसको बोलते हैं डेथ टनल। रास्ता जो है वो ज़रा जलालत वाला ही है, बिकॉज जहाँ से आ जाती है पत्थर आ जाते हैं ना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना, लाइक यू कैन सी वो पीछे सारे पत्थर वाला ट्रैक है, गंदा ट्रैक है, और ये बहुत स्टीप चढ़ाई है। ये दिखने में आसान लग रही है लेकिन इसमें पहले गियर से ऊपर बाइक नहीं जा रहा, इसका ये सीन है अभी। सो लेट्स सी
कि उधर जाते हैं, जाके देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सोबी से बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने सफ़र का जो है दोबारा आगाज़ तो कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो डेस्टिनेशन है वो सामने नज़र आ रही है, बट फिर भी लेट्स सी कि आगे आगे अभी कितना के टफ ट्रैक होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ये वाले जो आ रहे हैं ना, बजरी टाइप आती है, इसके ऊपर बाइक अक्सर बबलिंग भी बहुत करता है। बबलिंग में इंटू से कि ऊपर नीचे ना उसके झटके बहुत लगते हैं बाइक के, और ये तक जब उसका पिछले वाला एक्सल मूव करने लग जाता है ना बार 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 बार, तो ये होता है कि वो चढ़ाई नहीं चढ़ता, वो उधर ही घूम ही जाता है और अंदर धंस ही जाता है। सो ये सीन होता है। अभी ये देखें, ये क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के सारे। साइड पे बैग भी है, उसका भी बड़ा ध्यान करना पड़ा है, इसलिए मैं पहले ही टांग नीचे लगा रहा हूँ कि कोई रिस्क ना हो जाता। कुछ स्लीप आ गया रास्ता, कुछ सीधा रास्ता आ गया। टांग नीचे लगानी ही पड़ रही है, तो अभी दूसरी अटैम्प्ट जो है वो करने लगा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वन में नहीं हुआ यार, सारी बात है ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बस आ चुकी है और मैंने पहले ही रोक दिया, लेकिन वो जो डेस्टिनेशन प्रॉपर है वो क्रॉस करना था, दैट्स अभी वापस आया हूँ, क्योंकि यहाँ से ही रेस जो है पूरी प्रॉपर हम एक्सेलरेशन उसकी रखेंगे तो ही बाइक जो है वो चढ़ाई प्रॉपर चढ़ेगी ऊपर जाके, क्योंकि टीप चढ़ाई है और नीचे हैवी बजरी सी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि बाइक का जो टायर है वो स्किट करता रहता है और घूमता रहता है राउंड एंड राउंड, और लेकिन जो है चढ़ाई वो प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ पाता बाइक। तो अभी ये देखें, यहाँ अगर मैं टांगे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि टांग लगा के ही ऊपर जाना था बाइक, क्योंकि यार हमने सामान कुछ ना कुछ पीछे बाइक पर रखा हुआ है, यहाँ बाइक तब आ सकता है जब प्रॉपर बिल्कुल खाली हो ना बाइक, फिर आ सकता है 150 V1 फिर ही आ सकता है, और जो हैवी बाइक्स हैं ज़्यादा वो भी ज़रा मुश्किल ही आना इधर, क्योंकि तो कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो फाइनली डिड इट, अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ एट डेथ टनल, और ये है डेथ टनल, ये सारा का सारा उसका व्यू है, अब ये बिल्कुल उसके अंदर में खड़ा हूँ इस टाइम। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बाइक तैयार चले गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक 125 जो है वो सिर्फ रह गया है यार, क्योंकि बहुत ही स्टील चढ़ाई है और ये ना गंदा फिसलने वाला है बिल्कुल ना, बाइक यहाँ से ऐसे जिस वो होता है ना कि रोड स्लिप हो रहा है अच्छी तरह, अभी ये वो चीज़ है इधर, इसलिए ना बाइक ऊपर जाते नहीं हैं, और बड़ी स्टील और गंदी सी चढ़ाई है देखें। अब यहाँ जब इस पर आगे बाइक इस पत्थर पर लगता है ना, उसका मोशन टूट जाता है सारा बाइक का, चाहे आप पहले गियर में इन पत्थरों के ऊपर बाइक स्किट बहुत करते हैं, जितना स्किट करता है उतना इश्यू होता है ऊपर चढ़ाई के अंदर। अब ये है जी इससे नीचे का सारा व्यू, और वो हमारे सबके बाइक साथ खड़े हुए हैं, और इधर आने का यही सीन है कि जिसको तो बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड एडवेंचर का शौक हो वो तो ले आए, बट जिसको ये रास्ते ठीक नहीं लगते उसके लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हालात इधर आपको मैंने बता दिया है, दिखा भी दिया है कि ये सूरत हाल है इधर।
तो यार अभी वापस जाने लगे हैं, ये है जी रास्ता उतराई का और ये था जी डेथ टनल। अभी बाइक चला है जी 280 किलोमीटर चल चुका है तीमर ग्रह से यहाँ तक हमारा, और अभी वापस ही जाने का सफर शुरू करने लगे क्योंकि पारसान वैली ऊपर है। दैट्स वाई हम वापस ही जाने लगे हैं, और भी चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। तो अभी जो है क्लोज अप आपको मैं एक लुक दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो है उतराई उतरने लगे हैं, सो यू कैन फील कि यार किस तरह की सिचुएशन होती है हमारी भी जब इधर से वापसी उतर रहे होते हैं उतराई पे। क्योंकि अक्सर यहाँ पे ये होता है कि फर्स्ट गियर होता है लेकिन फिर भी जो बाइक है नीचे को स्किड कर ही जा रहा है बार बार, और कुछ टांगों की मदद से उसको कंट्रोल करते हैं, कुछ गियर के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं, बट फिर भी जहाँ पे इस तरह की ज़्यादा छोटी वाली बचड़ी होती है वहाँ पे बाइक फिर भी रुकता नहीं है। दैट्स वाई एक बड़ा एक ना मोमेंटम एक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिक्स की भी हम जो है ज़ुबान उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस टाइम उतरते हुए ही, तो ये बनाना पड़ रहा होता है। तो इस तरह ऐसा ऐसा होता है यार, सो सामने पहाड़ देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम, अमेजिंग है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है यार यहाँ की। डेथ टनल मैं तो कह रहा हूँ लाजमी हर बंदा लाजमी विजिट करे इधर आके, वो सामने एक और बंदा भी यार बैठा हुआ बाइक के पास। तो अभी अभी प्लान चेंज हो गया है क्योंकि डेथ टनल से वापस जा रहे थे कुछ और ही वैली थी जो हमने देखी थी। डेट्स वाइव सीन ये किया है, वापस दोबारा चढ़ाई चढ़ा के लेके आए हैं, और यार सीरियसली 150 सीसी की भी बिल्कुल बस हो जाती है। लाइक ये मेरा ट्रेल बाइक है, ट्रेल की भी बिल्कुल बस हो गई है। लाइक इधर वाकई जो है ना बहुत मुश्किल से चढ़ता है, और अच्छा खासा इंजन का जोर लगा है बाइक का। और इधर का अब सीन यही है कि जा रहे हैं आगे, क्योंकि इधर से उसने कहा कि परसान भी बहुत अच्छी है उसको सीट ना करें, क्योंकि वापस जाके ये सीन है कि दोबारा से आप वापस जाएंगे जहाँ से हम राइट टर्न किया था मैंने ब्रिज से, वहाँ से अगेन दोबारा आगे जाएंगे, वहाँ से फिर एक राइट साइड को टर्न आएगा वो जाएगा ऊपर जो बाकी लेक्स हैं और वैलीज हैं उसकी तरफ। तो इधर से उसने कहा है कि यही रूट जाता है और ये गर्म चश्मे की तरफ भी रोड जा रहा है, और अगर आपने बाकी सुसुम वैली देखनी है तो वो भी इसके रूट के अंदर ही है, इसलिए इधर से अब जाएंगे। यार नीचे खुश क्या जगह है सारी, वो दरिया कहीं चल रहा है, दरिया का शोर आप सुन सकते हैं कितने ज़ोर से चल रहा है, अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, और वो जो लगे हैं मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ टेरिनोर का ही लगा हुआ है, वो लगा हुआ ऊपर, क्योंकि और तो सिम इधर कोई काम करती नहीं है ना, किसी ने इधर इतना इन्वेस्ट किया है। यार वो दरख्त चेक करें किस जगह के ऊपर लगा हुआ है। अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक बंदा आ गया जिसने कहीं थोड़ी सी मदद की है साथ, क्योंकि वो इधर का ही लोकल था, वो 15 ऊपर लेके जा रहा था और जो हमारे साथी 15 पे हैं उनसे 15 ऊपर आ नहीं रहा था, तो उसने थोड़ी सी हेल्प आउट की है, और वो अकेला ही बाइक को, उनको यार टेक्निक होती है सारी बाइक, जो बंदा जिधर रहता है उसको तो उस चीज़ की टेक्निक होगी। क्या क्या बोला तूने ए, पहले क्या बोला, चल अभी तरफ। कितनी देर से हम रोड के सेंटर में बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई बंदा आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ हमें एक 15 वाला नज़र आया अभी तक, बाकी और कोई भी इस रूट पर नहीं आ रहा, शायद इधर रहते बहुत कम लोग हैं। वो अभी वो भी बंदा कह रहा कहता है मैं सिर्फ ड्यूटी करने जा रहा हूँ, शायद वो किसी एससी के अंदर हो या कि जो स्काउट्स होते हैं उसके अंदर हो, डोंट नो, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी आता है यार बंदा तो वो आपको दिखाते हैं कि कौन है। फाइनली अदील भाई भी पहुँच चुके हैं। अदील भाई कैसा ट्रैक है फिर क्रम्बर्स के बाद, क्या कहेंगे इस ट्रैक को? हाँ, और ये यार भाई हैं जिन्होंने सारे बाइक जो हैं वो ऊपर हमें ला कर दिए हैं, और बहुत शुक्रिया इनका, जजाक अल्लाह यार, थैंक यू वेरी मच आपका। तो यार ये था वो बंदा जिसने के हेल्प आउट किया है, और बहुत अच्छी खासी हेल्प कर दी है, वरना हम तो वापस ही जाने वाले थे। सो भी दोबारा से आके बाइक पर तो बैठ गया हूँ, और सीन यार कुछ ये है कि अभी अगला बता रहे हैं जी कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप आगे चढ़ाई और आने वाली है, सो लेट्स सी कि उधर तक भी अब हम जा पाते हैं नहीं। यार हर जगह पर टांग लगानी पड़ रही है, कैमरा के अंदर अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना लगता नहीं है कि स्टीप है बिल्कुल, लेकिन बिलीव मी ये इस तरह की है। ये बट भाई तो पीछे रुक गए थे, अभी वो आगे दिल भाई जा रहे हैं,
अभी जो है तीसरे हमारे वांटे वाले भाई बहुत ज़रा पीछे ही हैं। जो तो दिल की तरह कमज़ोर हथरात हैं वो तो इधर ना ही आए, उनके लिए तो मेरा यही मशवरा है। बट जो ज़रा कुछ डेयरिंग हैं यार, वैसे डेयरिंग और बेवकूफ़ होने में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी बाइक मसला करना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया स्टार्ट करना। अभी भाई बाइक अगेन बंद हो गया है, बाइक फिर से बंद हो गया है यार। ये यहाँ भी ये लोग रहते हैं, वो सामने घर आप देखते हैं, ये सारे घर हैं और वो नीचे ये है स्टीप उतराई बिल्कुल। अब आपका आइडिया हो रहा है कि कितनी उतराई है, मजाक नहीं कर रहे। लाइक इधर बहुत मुश्किल है काम यार ये, और ऊपर को रास्ता लेके चला गया वो देखें बंदा वन ट्राइव पर जा रहा है। तो यार अभी वो सामने जो देखें वो है जी परसान करीम और आपका कमारुद्दीन। ये दो भाई हैं जिन्होंने का बहुत हेल्प की है यार हमारी। अब मैं तो भाई वहाँ तक ले गया था लेकिन वापस भी आना पड़ा क्योंकि अब ये है जी चढ़ाई स्टीप बिल्कुल, और यहाँ पे हमारे भाई की बिल्कुल बस है कि नहीं जाएगा ना ऊपर। ये रास्ता कहाँ तक जाता है ऊपर? जो पहाड़ी है ना, हाँ हाँ, ये क्रॉस करता है। अच्छा ये ससोम तक जाता है? इधर से ससोम, हाँ ये ससोम जाता है, लेकिन हम आगे से ही घूम के आ रहे हैं क्योंकि इधर का यार सूरत हमारी बस से तो बाहर है, जो सीधी बात है क्योंकि हमारे पास लगेज भी है और बाइक भी हैवी है, दैट्स व्हाई ना जा नहीं सकता। चलें यार भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके यार अभी ये थी जी परसान वाली, ऊपर तक तो बिल्कुल नहीं हम जा सकते, लाइक उसको लास्ट समझ लें कि थोड़ी सी जगह रह गई थी जहाँ से हम वापस आए हैं क्योंकि बाइक से ऊपर लोड काफ़ी था, दैट्स वाई हम उसको ऊपर नहीं लेके जा सके। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी यार काफ़ी है, डेथ टनल भी हो गया है और उसके बाद तकरीबन यार हम चले गए थे वहाँ तक ही समझ लें कि तकरीबन ओके है काम सारा। और ये उसका लास्ट ब्रिज है, यहाँ से अब नीचे दोबारा हम वो वहाँ तक जाएँगे और वहाँ से हमने राइट को होना है, देन हम आगे जाएंगे ससोम और गर्म चश्मा वाली साइड के ऊपर। सो यार आज के लिए इतना ही है, बस दुआओं में याद रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।